बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिसेंटली एक एड की एडवर्टीजमेंट हुई है, 11 जनवरी को ये पब्लिश हुआ है न्यूज़पेपर में। उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। स्कूल पंजाब लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में 5 ईयर्स की कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, जो कि आप पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिकमेंड होके जा रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली कि आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाएगा या आप परमानेंट की तरफ जाएंगे, ठीक है। और बहरहाल ये टर्म्स एंड कंडीशन आप जब जॉब में ज्वाइन करेंगे तो आप जरूर देखेंगे। इसके ऊपर हम ये बात करते हैं कि 28 के करीब वैकेंसीज हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसी में होगी, और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग ऑलरेडी टच है सिलेबस के साथ, जो रिवाइज कर रहे हैं, जो किसी भी तरीके से फ्रेश ग्रेजुएट हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बीएड लाजमी है। क्वालिफिकेशन रिलेटेड एक्सपीरियंस के हवाले से बात करें, एमए इंग्लिश विद बीएड और बीएस एजुकेशन किया हो, एज के हवाले से बहुत अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि एज रिलैक्सेशन होनी चाहिए 40 ईयर्स मेल के लिए और 43 ईयर्स है फीमेल के लिए, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट रिलेटेड और सिलेबस रिलेटेड जो कि रिटन टेस्ट जो होगा उसके हवाले से क्या टॉपिक हैं, क्या चीजें होनी चाहिए, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं जरा ठहर कर, चूंकि मैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट के बारे में बात करने लगा हूँ। तो ये 28 सीट्स हैं, जरूर अप्लाई करें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। और इससे ये फायदा भी होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर आप लेक्चरशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके लिए भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये 2-3 माह 4 माह जो है आपको लग जाएंगे इसमें तैयारी में, और मुमकिन तौर पर अप्रैल के एंड में अगर इसका एग्जाम होता है तो बहुत अच्छे आपके मेरिट में आने के चांसेस हैं और सिलेक्शन के भी चांसेस हैं। सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। अब मैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो है उसके बारे में बात कर लूं कि उसकी क्या एडवर्टीजमेंट आई। पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश की 4 के करीब वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। क्वालिफिकेशन जो डिमांड की है डिपार्टमेंट ने वो ये है कि मास्टर डिग्री और बीएस इंग्लिश हो और इक्विवेलेंट हो हायर एजुकेशन कमीशन से प्रूफ शुदा। यहाँ पर बीएड की यहाँ पर शर्त हमें नजर नहीं आ रही, एज की शर्त हमें नजर आ रही है 33 ईयर्स मेल के लिए और 36 फीमेल के लिए, बट वी हैव नोटिस दैट दे हैव स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ एज क्राइटेरिया दैट इज इक्विवेलेंट टू द लेक्चरशिप इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, जहाँ पे लेक्चरर मेल के लिए 33 फीमेल के लिए 36 है, वही यहाँ पे क्राइटेरिया है। अब टॉपिक जो है वो सब्जेक्ट रिलेटेड जो है पेपर रिलेटेड उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे क्योंकि वो सिमिलैरिटी उसमें आ रही है। अब हम बात करते हैं पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसी डिपार्टमेंट में आप लेक्चरर इंग्लिश के लिए जो है वो 10 के करीब वैकेंसीज हैं, ठीक है। पंजाब स्कूल स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर इंग्लिश 10 पोस्ट हैं, 1 पोस्ट रिजर्व फॉर माइनॉरिटी और 2 पोस्ट रिजर्व फॉर वेमेन कोटा। खवातीन के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो वेमेन कोटे के तहत मेरिट थोड़ा सा नीचे आ सकता है और वो सिलेक्शन उनके चांसेस बहुत अच्छे हो सकते हैं। अब यहाँ पे मास्टर डिग्री जो है फर्स्ट डिवीजन और ग्रेड बी, फर्स्ट डिवीजन 60% से ऊपर यानी आपके नंबर होने चाहिए और इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर। ये एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि मुश्किल पेश आने वाली स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एम इंग्लिश में जिन्होंने पुराना एम इंग्लिश किया हो उनके 60% ही नहीं आते, तो ये मास्टर डिग्री और जो है फर्स्ट डिवीजन एक बड़ा मुश्किल और चैलेंजिंग काम है लोगों के। लेकिन जो बीएस ग्रेजुएट हैं और उनके लिए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको अवेल कर सकते हैं। एज की जो रिक्वायरमेंट है वो वही है जो कि हमने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश में देखी। डिपार्टमेंट जो है ये आपको दोबारा बता रहा हूँ, पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पर एक और चीज हम देख लेंगे कि अब सिलेबस क्या है। 1 पेपर एमसीक्यूज रिटन टाइप, 100 एमसीक्यूज 90 मिनट्स का होगा और क्वालिफिकेशन में 80-20 आ रहा है कि क्वेश्चन रिलेटेड टू द क्वालिफिकेशन और फिर जनरल नॉलेज और जनरल एबिलिटी के जो है वो 20 नंबर हैं। एक चीज जो मैं और कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि एसएसटी की जो जॉब थी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड थी, ये कौन सी जॉब है? अच्छा, यहाँ पर मेंशन नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हैं या क्या हैं, कुछ इस तरह से कोई ऐसा एसएच मेंशन नहीं है, लेकिन अगर मेंशन होता तो साथ में लिखा भी हाँ जी बिल्कुल लिखा हुआ नीचे, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, इसमें भी मेंशन है नीचे कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। चूंकि आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सेलेक्ट होके जाएंगे तो मोस्ट पॉसिबल ये जो है चांस ये कि आपकी सिलेक्शन जो है आफ्टर आफ्टर फ्यू ईयर्स परमानेंट हो जाएगी। बहरहाल ये बात की बातें हैं और इसके बाद हम अब सब्जेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। एसएसटी इंग्लिश, लेक्चरर इंग्लिश,
सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश। अब हमारे सामने है क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर क्या हो सकता है। अब एसेस्ड इंग्लिश के लिए बीएड लाजमी है, तो मुमकिन तौर पर बीएड के सवालात हो सकते हैं वो तमाम लोग जो बीएड की तैयारी करते आए हैं या फिर जिन्होंने एफपीएससी की तैयारी के हवाले से पीडागोजी का पोर्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है। मेरे लेक्चर्स भी उसमें अवेलेबल है पीडागोजी के 10 के करीब यूट्यूब पे, आप वो भी जरूर सुनिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है उससे। हिस्ट्री सीरीज के 20 लेक्चर्स मौजूद हैं, वो तमाम लोग जो मुझे ज्वाइन नहीं कर सकते तैयारी के हवाले से उनको एक गाइडलाइन और एक पाथ मिल जाता है कि कैसे वो स्टडी कर सकते हैं गाइडेंस के हवाले से। तो वो आपका एक एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो अब एसएसटी की बात करूँ सिर्फ, उसमें आप बीएड भी तैयार करेंगे, बीएड का पोर्शन तैयार करेंगे, ठीक है, आप उसे पीडागोजी का जो पोर्शन है वो तैयार करेंगे, अपने बीएड के सिलेबस को रिवाइज कर कीजिएगा। इसके बाद आपने लिटरेचर को रिवाइज करना है, एसएसटी वाली जो पोस्ट है लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ, आपने लिटरेचर को रिवाइज करना है, आपने लिंग्विस्टिक्स को रिवाइज करना है, आपने बेसिक ग्रामर को देखना है। अब बेसिक ग्रामर क्या है? बेसिक ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इसके अलावा करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस आ जाते हैं और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं। ये क्या ऐसी मुख्तसर चीजें हैं, इनको मैंने अपने ग्रामर के एक लेक्चर में डिस्कस किया कि मुमकिन सवालात क्या हो सकते हैं रिटर्न और इंटरव्यू में ग्रामर से रिलेटेड, और मैंने 33 मिनट्स का मेरा लेक्चर है, वो भी जरूर आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब लेक्चरर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के सिलेबस के हवाले से हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या हमारे पास सिलेबस है। मेंशन जो सिलेबस है वो यही है कि 80% क्वालिफिकेशन और 20%। अब यहाँ पर जो कि बीएड की एक एसएच हमें कुछ शर्त नजर नहीं आ रही, लेक्चरर में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर जब आप अप्लाई कीजिएगा तो जरूर देखिएगा, शायद यहाँ पर एंड पे किसी जगह पर मेंशन किया हो, लेकिन मुझे यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन की, प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की, वहां पे जो है मुझे नजर नहीं आ रहा। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश में मास्टर्स डिग्री और इंग्लिश इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर यू, ठीक है, इसमें मेंशन नहीं है। बहरहाल अब आप देख सकते हैं, दोबारा भी इसको क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं, मुझे भी बताइएगा जरूर। अब यहाँ पर 80-20 में आप लिटरेचर तैयार करेंगे बेहतरीन तरीके से, लिटरेचर जैसे आप लेक्चरशिप में तैयार करते हैं उसी तरीके से सेम होगा। अब इसमें आप नुकसान का घाटे का सौदा कोई नहीं है, क्योंकि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी अगर जॉब आती है यू कैन अपेयर इन दैट कॉन्टेक्स्ट, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिटरेचर प्रिपेयर करेंगे आप सारा के सारा, आप लिंग्विस्टिक्स प्रिपेयर करेंगे, आप ग्रामर प्रिपेयर करेंगे और आप जनरल नॉलेज प्रिपेयर करेंगे। जनरल नॉलेज के लिए आप पाक एनसीक्यूज की वेबसाइट तैयार कर सकते हैं, या आप अगर आपके पास हार्ड में कोई बुक पड़ी है कोई, तो उसमें आप उर्दू का पोर्शन को तैयार कीजिए, आप इस्लामियात के पोर्शन को तैयार कीजिए, आप बाकी चीज़ों को तैयार करके आप जनरल नॉलेज का पोर्शन इतना अच्छा तैयार कर सकते हैं कि आप 20 में से 6, 7, 8, 10, 12 नंबर ले सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग से बचना है या आपने, हर आपका ये इंपॉर्टेंट टास्क है। अब लिटरेचर की अगर हम बात करें तो लिटरेचर में हमारे पास बहुत बड़ी एक फील्ड आ जाती है कि क्या क्या तैयार किया जाए, तो उसके लिए मेरे गाइडेंस मौजूद है कि एसएस या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तैयारी कैसे की जानी चाहिए, यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं पूरा, मैंने उसको गाइड जो है वो मैंने रोड मैप दिया हुआ है। और लिंग्विस्टिक्स जो है उसको आप बेहतर ये कि आप जॉर्ज यूल की बुक को पढ़िए, रिवाइज कीजिए, बेसिक कंसेप्ट आपके पढ़ने हों, बेसिक टर्म्स उसके ऊपर आपको ग्रिप हो, और जो है ये तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। ये बेसिकली रिक्वायरमेंट है। ये तमाम चीज़ें करने के साथ साथ आप ना सिर्फ इस जॉब के लिए तैयारी कर रहे होंगे, बट बल्कि फ्यूचर में जो लेक्चरशिप की हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जॉब आती है, या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एसएस की जॉब आती है, या SSE की जॉब आती है एजुकेटर्स की, तो भी आप उसके लिए एक अच्छी तैयारी करके रखेंगे और आपको यानी एक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप अपने आप को जरा पॉलिश कर लें। देखिए, याद रखें कि रिटर्न में बहुत अच्छा स्कोर करना गोल नहीं होता, लेकिन रिटर्न में ये गोल जरूर होना चाहिए कि भाई आप मेरिट में आके इंटरव्यू की रेस में पहुंच जाए। अगर आप इंटरव्यू की रेस में पहुंच जाते हैं ना, फिर 50-50% चांसेस होते हैं, और वो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। तो इसलिए आप तैयारी शुरू कीजिए। वो तमाम लोग जो मेरे पास पहले से तैयारी कर रहे हैं वो सिलेबस अपना मुकम्मल करें, कंप्लीट करें, और मेरी वो तमाम गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए जो व्यूअर्स जो नए हैं, जो पहली दफ़ा मुझे देख रहे हैं, वो यूट्यूब पे मेरी प्लेलिस्ट है एनाटॉमी ऑफ लिटरेचर, चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, पीपीएससी, एसपीएससी, केपीपीएससी और बीपीएससी के हवाले से गाइडेंस पूरी एक प्लेलिस्ट मौजूद है, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस वगैरह भी अवेलेबल हैं कैंडिडेट्स के, तो वो देखिए आपको फायदा हो जाएगा अगर आप खुद से तैयारी करना चाह रहे हैं। अगर आप पेड तैयारी करना चाह रहे हैं मुझसे, तो आप मुझे मेरे नंबर पर 03225520027 पर मैसेज कर सकते हैं और मुझे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। कोई सवाल हो तो जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।